जनपद में शुक्रवार को 50 केंद्रों पर कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में 27 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के 3163 तथा 45 साल से ऊपर के 23 केंद्रों पर 5216 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 4002 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1214 नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ ने बताया कि जनपद में अभी तक 3,76,002 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें प्रथम डोज लेने वाले नागरिकों की संख्या 3,00,291 और सेकेंड डोज लेने वाले नागरिकों की संख्या 75,711 है। उन्होंने बताया कि जनपद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है, यह सब लोगों के सहयोग से हो पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं तथा मास्क व सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी हम सभी को कोरोना को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा। जनपद में 50 केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, उसमें से 27 केंद्रों पर 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है और बाकी जगहों पर 45 के ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। और कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका? अभी तक हमारे जनपद में पौने 4,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। नागरिकों से ये अपील है कि इस दौरान कोरोना के केसेस की मात्रा कम हो रही है और ये लॉकडाउन की वजह से और पब्लिक की सहयोग की वजह से कि लोग अननेसेसरी बाहर नहीं घूम रहे हैं, निकल रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे ज़िले में और प्रदेश में भी पॉजिटिव केसेस की संख्या कम हो रही है। इसी तरह से हमको मेंटेन करना है जब तक कि हम शून्य पर न चले जाएं। हमेशा तीनों चीज़ों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, अननेसेसरी इधर उधर भीड़ भाड़ इलाके में बिल्कुल ना जाएं और निकलना ही है तो मास्क पहन के निकलें। यही हमारी अपील है जनता से और हमारे जनपदवासियों से।